लोकसभा चुनाव को लेकर बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट ने पर्चा दाखिल कर दिया। जगदलपुर में बीजेपी कांग्रेस पार्टी की नामांकन रैली में भारी उत्साह देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप ने नामांकन दाखिल किया और साथ ही सीएम साई की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। कांग्रेस कैंडिडेट कवासी लखमा ने भी पर्चा भर दिया। भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल हुआ। आपको बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की एक सीट पर मतदान होगा, वह है बस्तर सीट, और यहां पर रोचक मुकाबला होगा। कवासी लखमा के सामने बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप हैं। सीएम साई की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले बड़ा आयोजन किया गया था, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए और एक बड़ी रैली भी निकाली गई थी। और ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ हम लगातार आपको दिखा रहे थे बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीरें जब महेश कश्यप नामांकन भरने पहुंचे, वहीं इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी जो कि कवासी लखमा है, कवासी लखमा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ नजर आए नामांकन के दौरान। और ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, वहीं दूसरी ओर जगदलपुर में कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है। तो कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जब नामांकन चल रहा था तो सीएम साई मौजूद रहे हैं महेश कश्यप के नामांकन के दौरान, और इस दौरान आप देख सकते हैं किरण देव प्रदेश अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं और साथ ही डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है, कवासी लखमा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। कवासी लखमा के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दीपक बैज ही यहाँ से सांसद थे और अब कवासी लखमा को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशुतोष, आज नामांकन का आखिरी दिन और दोनों ही दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया, रैली की गई, नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। देखिए बिल्कुल, मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है और जिस तरीके से आज सियासी पारा जो है बस्तर में पूरी तरीके से हाई रहा, तो ये देखा जा सकता है कि दोनों ही जो राष्ट्र पार्टियां हैं वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, पूरे दमखम से आज नजर आई, क्योंकि दोनों ही का जो मुकाबला है वो दोनों के बीच में है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां यहां पर कवासी लखमा के पक्ष में चुनावी जो है वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय जो कि उनका पाँचवा दौरा था बस्तर में और पाँचवा सभा यहाँ पर आयोजन किया गया, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आगे बीजेपी नज़र आ रही है, क्योंकि वजह यह भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो छोटे चेहरे हो चाहे वो बड़े चेहरे हैं, वो बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं और जिससे बीजेपी ही मजबूत हो रहा है और कांग्रेस का खेमा जो है कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि आज का जो सभा है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था और पूरी तरीके से अपने अपने जीत का दावा जो है वो दोनों ही प्रत्याशी किए हैं कि वो जीत सकते हैं। वहीं जब भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कई ऐसी जो घोषणाएं की जिसमें जो चुनावी घोषणा कहा जा सकता है उसे कि 1 लाख रुपये महीने 1 लाख रुपये जो है महिलाओं को दिया जाएगा, और इसके अलावा विष्णुदेव साय जो मदारी वंदन योजना चल रहा है उसको बताते हुए, इसके अलावा जितने ही केंद्र के मुद्दे हैं चाहे वो राज्य के हों सभी चुनाव में भुनाने की बात यहाँ पर जरूर की गई है। और अगर दोनों की मजबूती की बात की जाए तो दोनों की मजबूती जो है पूरी तरीके से यहाँ पर भले ही दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें कुल कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और कितने प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, यहाँ पर कितने निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए कुल 12 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, 18 जो है आवेदन आ चुके हैं, लेकिन मुकाबला जो है ये दो ही महत्वपूर्ण पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है, लेकिन देखा जाए तो सीपीआई बस्तर में काफ़ी ज़्यादा हावी है और फूल सिंह कचलाम जो सीपीआई के प्रत्याशी है जो नारायणपुर से हैं, हालांकि सीपीआई पूरे बस्तर में काबिज नहीं है, मजबूती जो है वो सीपीआई का सिर्फ कोंटा विधानसभा में देखने को मिलता है, जो कि कवासी लखमा वहाँ से आते हैं और
कहीं ना कहीं सीपीआई के लिए जो मनीष कुंजाम है वो पूरी तरीके से दमखम यहाँ दिखाते नजर आएंगे और वोट जरूर कटेगा, कांग्रेस का वोट यहाँ पर कट सकता है और बाकी जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका प्रभाव बस्तर में उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है और यही वजह है कि जो मुकाबला है वो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जान